हम सब लोग चाहते हैं एक प्रॉपर ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना, क्योंकि मॉडल्स को देख लो, सेलिब्रिटीज को देख लो या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, सबकी स्किन इतना अच्छे से ग्लो करती है और सब चाहते हैं कि एक फ्लॉलेस स्किन उन्हें चाहिए। जो डार्क स्किन टाइप वाले होते हैं उन्हें लाइटर स्किन चाहिए, जो लाइटर स्किन वाले होते हैं उन्हें टैन लुक चाहिए, और सब जो है अच्छा मेकअप नहीं करते हैं, मतलब सबको नहीं आता है यार मेकअप। तो इन सबको जो है कंप्लीट करने के लिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ और अब दोबारा कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ वो स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए है। यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैं ये काले या गोरे में भेदभाव नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी स्किन को एनहैंस करने के लिए काम में आते हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मेकअप प्रोडक्ट है और कुछ प्रोडक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है, जिनके बारे में आपने यूट्यूब पे बहुत बार सुना होगा और बहुत बार देखा होगा। पिछले कई सालों से इनके बारे में बात की गई है, तो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं और यूज़ किए हैं और उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट मैंने जो है रिस्टॉक किए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नए मंगाए थे। तो ये मैंने EMM मार्ट से मंगवाए थे प्रोडक्ट्स, यहाँ पर मैं डाल दूंगी। यहाँ से मैंने पहले भी प्रोडक्ट मंगाए हैं, जैसे कि A2 लाइट क्रीम और लिप्स की स्किन लाइटनिंग क्रीम, और इसके साथ साथ मैंने बीबी क्रीम, ऑल इन वन बीबी क्रीम भी मंगाई है, जिनके रिव्यू ऑलरेडी शॉर्ट के फॉर्म में या फुल वीडियो के फॉर्म में मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी हमें फिलहाल मैंने जो प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले जो प्रोडक्ट, जैसे कि ऑल इन वन बीबी लाइट क्रीम जो है, ये मैंने पहले यूज़ की हुई है, इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है और अभी फिर से मैंने इसे रीस्टॉक किया है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर रिव्यू डाला हुआ है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिप्स लाइट क्रीम है, इसके बारे में भी शॉर्ट्स में मैंने बात किया है, अभी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ये लिप लाइटनिंग, यानी अगर आपके डार्क लिप्स हो गए हैं, चाहे उसका रीजन जो है आपके लिपस्टिक ज्यादा लगाने की वजह से या आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उस वजह से, मैन या वुमन दोनों के लिए है। कई वुमेन्स भी स्मोक करती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैन भी करते हैं, लेकिन ये जो है टोटली 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 आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है स्मोक करना या ड्रिंक करना, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, मेन एंड वुमेन दोनों ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इनके रिजल्ट्स काफी अमेजिंग है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 15 ग्राम प्रोडक्ट है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है और इसका प्राइस जो है 269 रुपीज है और 3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारे लोगों को देखा है इसे इस्तेमाल करते और खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। इससे लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ लाइट हो जाते हैं। अगर मेन है तो आप तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्रीमी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है लिप्स पर लगाने के बाद आपने कुछ लगाया है, बिल्कुल लिप बाम वाली फील देता है और आपके लिप्स काफी सॉफ्ट लगते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए नाइट टाइम में इसे जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि डे टाइम में तो आप जो है कुछ खाएंगे पिएंगे ये निकल जाता है, नाइट टाइम में बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इस्तेमाल करें। वैसे दिन में 2 बार इसे इस्तेमाल करने की रिकमेंडेशन देते हैं डॉक्टर्स भी। ये सारे के सारे प्रोडक्ट फार्मेसी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है ये हाइलोरोनिक एसिड वाली क्रीम, यानी हाइलो जेल। इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोस हैं। अब हाइलोरोनिक एसिड होता क्या है, आप सब लोग अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, हाइलोरोनिक एसिड बेसिकली आपके स्किन के अंदर जो है मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। आफ्टर 30 या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उस हिसाब से हाइलोरोनिक एसिड जो आपकी स्किन के अंदर हाइलोरोनिक एसिड है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको एजिंग साइन देखने को मिलते हैं, रिंकल्स देखने को मिलते हैं, स्किन के ऊपर डलनेस आ जाती है या फिर स्किन के ऊपर जो हमारा थोड़ा बहुत मतलब आपको टेक्सचर दिखता है तो वो उस वजह से होता है। और ये नॉन ये जो होता है आपके पोर्स को जो है वो क्लॉक होने की वजह से भी होता है। अब यहाँ पर ये जो हाइलो जेल है ये कुछ इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है और ये जो है आपके स्किन के अंदर जाकर आपकी स्किन का हाइलोरोनिक एसिड को मेंटेन करता है लेवल को, और इसके साथ साथ स्किन को जो है हाइड्रेटिंग रखने में भी मदद करता है। आपने बहुत बार देखा होगा 30s की एज में भी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि इस एज में जवानी कहाँ से आ रही है, तो बेसिकली हॉर्मोन्स चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हाइलोरोनिक एसिड की कमी हो रही है, आपके स्किन के अंदर हाइलोरोनिक
हाइलुरोनिक एसिड की कमी हो रही है और जो आपके स्किन के अंदर मॉइस्चर है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इस वजह से भी पिंपल्स आ जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं उस वजह से भी आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आते हैं, तो उसकी कमी को भी ये पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करता है। अगर डिटेल में आप जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजना, मैं डिटेल में इस पर रिव्यू डालूंगी। बाय द वे इसका प्राइस जो है 270 रुपीज़ है और इसकी शेल्फ लाइफ भी आपको 3 साल मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं तो टोटली जेल फॉर्म में है, इसे लगाने के बाद आपको हल्का ठंडा ठंडा फील होता है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ये कुछ इस तरीके की जेल फॉर्म में आता है और जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी मतलब ये स्किन के ऊपर चिपचिपाहट सी फील नहीं करता है। इसे आप लगा के छोड़ दीजिए, ये टोटली स्किन के अंदर चला जाएगा, टोटली वाटर बेस्ड है और नॉन कॉमोजेनिक है, आपके पोर्स को क्लॉक भी नहीं करेगा और पिंपल्स वगैरह भी नहीं होने देगा और बहुत ही ठंडा सा कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा इसको यूज करने के बाद। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये तो बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, कोजीमैक्स स्किन लाइटनिंग क्रीम। अब स्किन लाइटनिंग क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी स्किन लाइटनिंग वाली क्रीम्स देखी हैं, रिव्यूज देखे हैं, तो आपको पता होगा हर प्रोडक्ट में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जो है स्किन लाइटनिंग का मेन इंग्रेडिएंट होता है जो कि 1% होता है, लेकिन कोजीमैक्स में ये 5% मिलता है, जिससे कि इसके रिजल्ट्स और ज़्यादा फास्ट होते हैं। बाकियों के रिजल्ट जहाँ 3 महीने में मिलेंगे वहाँ पे इसके रिजल्ट आपको 1.5 महीने में देखने को मिल जाते हैं। ये छोटी सी ट्यूब आती है इस तरीके की और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ 225 रुपीज़ है और इसमें आपको सिर्फ 9 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। इसको लगाना बहुत ज्यादा इजी है, जस्ट रात के समय इसे अपने स्किन के ऊपर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद मसाज दे दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी क्रीमी टाइप में होती है, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में आता है, मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है और बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस के साथ आता है। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी रात के समय में लगाइए क्योंकि इससे आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। डे टाइम में आपको इसके बाद सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको हल्का सा बर्निंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपके फेस के ऊपर छाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं या पिगमेंटेशन हो गई है उसे भी रिमूव करने में ये मदद करता है और इसके साथ साथ जो पिंपल्स के दाग होते हैं उसे भी रिमूव करने में मदद करता है। अगेन यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दूंगी, तो जरूर बताइएगा। तो इसे जो है मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। नाउ लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल में बात कर चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। ये है ए ऑल इन वन बीबी प्रीमियम स्किन लाइटनिंग क्रीम। अब ये स्किन लाइटनिंग क्रीम जो है मेकअप प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्किन लाइटनिंग में कुछ एक इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं, इसमें SPF 25 है और ये बेसिकली ब्यूटी बाम क्रीम है। अगर आपके फेस के ऊपर ब्लिमिशेज हैं, डार्क स्पॉट्स हैं और आपको चाहिए कि आपको एकदम फ्लॉलेस स्किन दिखानी है मेकअप की तरह, जैसे कि और भी ब्रांड्स की आती है बीबी क्रीम्स के, वैसे ही काम करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये स्किन केयर का भी काम करेगी। आपको मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करना पड़ेगा इससे पहले, आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हल्का सा फाउंडेशन वाला इफेक्ट भी देगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बहुत सारी बीबी क्रीम मैंने मार्केट में देखी है जिसको लगाने के बाद पिंपल्स या डार्क पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको कोई पिंपल नहीं होंगे, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी इसको लगाने के बाद, आपको कोई ऊपर से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है स्किन का, डायरेक्टली से लगाओ एंड यू आर सॉर्टेड। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छी क्रीम है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाया है, इनमें से किसी के भी बारे में आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय द वे इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। आपको यहाँ पर मैं इसलिए रिव्यू लिखने को बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है मेरे वीडियोस के नीचे लोग आकर अपने रिव्यूज शेयर करते हैं जो कि दूसरे लोगों की हेल्प हो पाती है, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है और सबकी स्किन पे डिफरेंटली हर प्रोडक्ट रिएक्ट मतलब अपना असर दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही शायद आपके एक रिव्यू से किसी दूसरे की हेल्प हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।